नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं 2021 स्विफ्ट VXI पेट्रोल का एक टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट। अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि ओवरऑल गाड़ी जो है वो कितने किलोमीटर अपनी MID के अंदर चल चुकी है। तो ये चल चुकी है 3689 किलोमीटर और आप देख सकते हैं जो इसकी फ्यूल की सेल है यहाँ पे मात्र अभी तक दोस्तों 2 ही सेल है। तो हम पेट्रोल पंप पे खड़े हैं और इसका अभी ऊपर तक बिल्कुल टैंक फुल कराएंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि कितना पेट्रोल आया है। ट्रिप वगैरह जीरो करके कैलकुलेट करेंगे इस गाड़ी का माइलेज टेस्ट। बस कोई भी अपनी पुरानी गाड़ी है और मार्केट में आपको उसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं हो रहे हैं तो आप बूडमो पे जा सकते हैं। बूडमो की आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी एंड्रॉयड iOS में। वेबसाइट का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और बूडमो पे जाके आप देख सकते हैं इजीली आपकी गाड़ी का जो भी वेरिएंट है वो सेलेक्ट करके, जो उसका मॉडल है, ये सारी चीज़ें आप इसमें ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद आप अपना ऑनलाइन कोई भी अपनी गाड़ी का पार्ट्स घर पर मंगा सकते हैं। उसके बावजूद उसके अगर आपको ये भी फैसिलिटी बूडमो अवेलेबल करता है कि अगर आपकी गाड़ी का जो आपने पार्ट मंगाया है वो उस गाड़ी में फिट नहीं हो रहा है तो आप उसमें रिटर्न भी कर सकते हैं 10 दिन के अंदर। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको बूडमो में देखने को मिल जाएंगी। तो देर किस बात की, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक को आप जाके चेक कीजिए बूडमो, और अगर आपको कोई भी सामान मंगाना है तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं बूडमो के थ्रू। दोस्तों पहले हम ऑटोकट तक इसका टैंक फुल करवाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि कितना पेट्रोल और आएगा। वैसे इस गाड़ी की जो टैंक है वो 37 लीटर का है और मात्र 2 सेल इसके अंदर है तो मुझे लगता है कि लगभग 30 लीटर से ज्यादा पेट्रोल इसके अंदर आने वाला है। अभी देखते हैं ऑटोकट कितनी देर में होगा। दोस्तों लगभग आज हम इस गाड़ी को 150 किलोमीटर चलाएंगे जिसमें से 80 किलोमीटर के आसपास हाईवे पे चलाएंगे और 80 किलोमीटर के आसपास चलाएंगे इसको सिटी के अंदर। तो प्रॉपर एक माइलेज टेस्ट यहाँ पे निकल के आएगा जिससे आपको पता चलेगा कि स्विफ्ट VXI जिसको कंपनी कहती है कि इतना माइलेज देती है, सब लोग माइलेज मशीन बोलते हैं, तो कितना माइलेज यहाँ पे निकाल के देती है। तो मेरा अनुमान यह है कि लगभग 28 या 30 लीटर के आसपास इसमें ऑटोकट लगेगा क्योंकि 2 सेल थी मात्र, तो गाड़ी की टंकी जो है वो खाली ही है। और फिर जब हम इस गाड़ी को चला लेंगे तो दोबारा सेम पेट्रोल पंप पे आएंगे और सेम नोजल से इसका टैंक फुल कराएंगे। तो बिल्कुल एक्यूरेट माइलेज टेस्ट जो है वो यहाँ पे निकल के आएगा स्विफ्ट VXI 2021 का। दोस्तों इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है 88 BHP का इंजन। अभी ऑटोकट हो चुका है 30 लीटर के आसपास, 30.18। अब मैनुअली आप इसको फुल करो। दोस्तों आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ऊपर तक यहाँ पे पेट्रोल आ चुका है बिल्कुल फुल, और यहाँ पे हमारी गाड़ी के अंदर पेट्रोल आया है 32 लीटर 3140 रुपए का। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसकी ट्रिप जीरो करके और फिर लेके चलते हैं गाड़ी को। दोस्तों टैंक फुल हो चुका है और एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, सारी सेल यहाँ पे कम्प्लीट है और ट्रिप ए अभी हम जीरो करते हैं इस गाड़ी की। ओवरऑल ऑडोमीटर भी हम आपको दिखाएंगे। अमरीश करियो ट्रिप है, हमने दोस्तों अब जीरो कर ली है और ओवरऑल मीटर भी एक बार आपको दिखा देते हैं कि ओवरऑल मीटर में गाड़ी कितनी है। आगे करो एक बार और। दोस्तों ये है ओवरऑल मीटर यहाँ पे 3689 किलोमीटर। अभी हम इसको चलाएंगे लगभग 150 किलोमीटर और फिर आपको दिखाएंगे कि कितना पेट्रोल में इस गाड़ी ने माइलेज टेस्ट पे यहाँ पे कितना माइलेज दिया है टैंक टू टैंक। दोस्तों अभी तक हमने गाड़ी को चला दिया है जब से टैंक फुल कराया है 20 किलोमीटर एग्जैक्ट, और आपको मैं दिखाता हूँ कि हम गाड़ी जो है वो लगभग 90 के आसपास और 100 के आसपास चला रहे हैं तो कितना माइलेज यहाँ पे MID के अंदर शो कर रही है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ MID के अंदर कितना माइलेज यहाँ पे है। दोस्तों ये यहाँ पे माइलेज दिखा रही है 23.8 किलोमीटर पर लीटर। अब क्योंकि हम हाईवे के ऊपर चला रहे थे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे और यहाँ पे हमारी गाड़ी लगातार टॉप गियर के अंदर चल रही है 2000 RPM के ऊपर, तो काफी अच्छा माइलेज यहाँ पे निकाल के दे रही है।
लगभग इसको अभी हम 10 किलोमीटर और यहाँ पे चलाएंगे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे और फिर हम इसको लेके जा रहे हैं अंदर सिटी में। तो दोस्तों आज ये गाड़ी लगभग 50% चलेगी सिटी में और 50% चलेगी हाईवे के ऊपर। इससे क्या होगा कि बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी। अगर आप स्विफ्ट VXi लेना चाहते हैं तो आपके क्या एक्सपेक्टेशन है इस गाड़ी के माइलेज से, वो आज इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। दोस्तों अभी तक हमने गाड़ी को चला दिया है 41.7 किलोमीटर और सिटी के अंदर हम हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि MID के अंदर ये यहाँ पे कितना माइलेज जो है वो शो कर रही है। 24.6 किलोमीटर पर लीटर का दोस्तों यहाँ पे माइलेज शो कर रही है MID के अंदर और गाड़ी की स्पीड भी आप देख सकते हैं 40-45 के आसपास है। दोस्तों रोड पे ट्रैफिक भी काफी अच्छा खासा है और हमारी गाड़ी अभी टॉप गियर में भी नहीं है, तब क्योंकि पहले हाईवे पे चला रहे थे तो MID के अंदर माइलेज इतना बढ़ा हुआ आ रहा है। लेकिन अभी ये ड्रॉप भी होगा जैसे जैसे और ट्रैफिक बढ़ेगा, आगे रेड लाइट आएगी, तो देखते हैं। खैर आप वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा, आप लोगों के लिए माइलेज टेस्ट बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों गाड़ी हमने अभी तक चला दी है 63.2 किलोमीटर और दिल्ली के अंदर हम हैं, दिल्ली के ट्रैफिक में हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि MID के अंदर ये कितना माइलेज यहां पे शो कर रही है। दोस्तों MID के अंदर भी गाड़ी यहां पे माइलेज शो कर रही है 21.9 किलोमीटर पर लीटर। अभी हम इसको लगातार दिल्ली के अंदर ही चलाने वाले हैं 50-60 किलोमीटर यानी कि सिटी के अंदर, और 10 किलोमीटर से ज्यादा भी हम ऑलरेडी चला चुके हैं। तो अभी माइलेज तो ये मीटर के अंदर दिखा रही है 21.9। जब टैंक टू टैंक मेजर करेंगे तब एक्चुअल माइलेज पता चलेगा कि MID वाले माइलेज में और रियल माइलेज में यहाँ पे कितना फर्क आता है। लगातार बारिश हो रही है दोस्तों और आप देख सकते हैं ट्रैफिक भी यहाँ पे ठीक ठाक है, बार बार रेड लाइट भी आती है दिल्ली के अंदर। तो दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि गाड़ी यहाँ पे टॉप गियर में चल रही है, मोस्टली यहाँ पे हमारी गाड़ी सेकंड और थर्ड गियर में ज्यादा चल रही है। तो देखते हैं, खैर अभी तो मुश्किल से हमने ये 60-65 किलोमीटर के आसपास चलाई है, इससे ज्यादा हम आज इसको चलाने वाले हैं। दोस्तों हमने गाड़ी यहाँ पे चला दी है 92 किलोमीटर अभी तक और आप देख सकते हैं हम अभी रेड लाइट के ऊपर खड़े हुए हैं। तो अभी मुश्किल से हमें ये गाड़ी चलानी है लगभग 60 किलोमीटर और। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था, कंप्लीट आज ये गाड़ी हमारी 150 किलोमीटर यहाँ पे चल जाएगी। और अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ कि माइलेज ये MID के अंदर कितना यहाँ पे शो कर रही है। तो दोस्तों अभी MID के अंदर माइलेज ये यहाँ पे शो कर रही है 20.6 किलोमीटर पर लीटर। तो मतलब जब से हमने अपनी जर्नी शुरू करी है तब से कॉन्टिन्यूसली इसने एक भी बार 19 से कम यहाँ पे माइलेज जो है वो हमें नहीं दिया है, जो कि काफी अच्छा माइलेज यहाँ पे दोस्तों है। और अभी आप देख भी सकते हैं 80 की स्पीड पे हम हैं। दोस्तों अभी हम ट्रैफिक के अंदर हैं और आप देख सकते हैं काफी ज्यादा यहाँ पे ट्रैफिक हो रखा है और हमारी गाड़ी अभी तक चली है 122 किलोमीटर। मैं आपको दिखा देता हूँ कि MID के अंदर भी कितना माइलेज यहाँ पे आ रहा है। तो दोस्तों अभी MID का माइलेज डिक्रीज हो रहा है, 20.2 यहाँ पे हो चुका है। ट्रैफिक काफी ज्यादा हो रखा है, काफी लंबा जाम है दोस्तों 1 किलोमीटर के आसपास। और आप देख सकते हैं कि अभी हमारी गाड़ी का AC भी ऑन है, जब से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है तब से लगातार AC ऑन है दोस्तों। दोस्तों अभी तक हमने गाड़ी को यहाँ पे चला दिया है 134 किलोमीटर और कमाल की बात यह है कि एक भी सेल इसका यहाँ पे अभी तक कम नहीं हुआ है जब से हमने इसका टैंक फुल कराया है। और अभी हम दोबारा से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे आ चुके हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि MID के अंदर कितना माइलेज यहाँ पे शो कर रही है। तो दोस्तों 19 KMPL का माइलेज अभी शो कर रही है, मतलब जब हम सिटी में चल रहे थे तो काफी ट्रैफिक था तो वहां पे इसका माइलेज जो है वो ड्रॉप हुआ है। और दोस्तों इस माइलेज टेस्ट में हमने अपनी गाड़ी को लगभग 10 से 15 मिनट, जब हमारी गाड़ी एक जगह खड़ी हुई थी जब भी लगातार स्टार्ट थी, इग्निशन ऑन था इसका और AC भी कॉन्टिन्यूसली ऑन था। तो मेरा अंदाजा तो दोस्तों ये है कि अभी ये गाड़ी आज हमको माइलेज जो है लगभग वो 21 से 22 का निकाल के देगी अगर हम इसके MID के हिसाब से चले तो। और सच्चाई का तो तभी पता चलेगा जब हम इसके अंदर दोबारा से पेट्रोल फुल कराएंगे। दोस्तों हम आ चुके हैं पेट्रोल पंप पर और मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी हमारी टोटल चली है 154 किलोमीटर 700 मीटर। पेट्रोल पंप पे हम सेम आ चुके हैं, सेम उसी नोजल से भी इसके अंदर टैंक फुल कराएंगे। और अभी आपको MID के अंदर दिखाता हूँ मैं इसका माइलेज, 19.6 KMPL का यहाँ पे माइलेज अभी दिखा रही है। दोस्तों देखते हैं पहले ऑटो कट कितने पे लगेगा।
दोस्तों ऑटो कट हो चुका है 6.45 पे। अब मैन्युअली इसको फुल कराएंगे। भरो ऊपर तक भरो। हो गया दोस्तों, आप देख सकते हैं बिल्कुल ऊपर तक यहाँ पे पेट्रोल आ चुका है गाड़ी के अंदर, और जो पेट्रोल आया है वो आया है 7.96। तो अभी मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि कितना कुछ माइलेज इसने यहाँ पे निकाल के दिया है स्विफ्ट VXI पेट्रोल ने। तो हमारी गाड़ी चली थी 154.7 किलोमीटर, और इसके अंदर जो पेट्रोल आया है हमारा वो आया है 7.96। दोस्तों माइलेज निकल के आया है 19.43 का। तो अभी मैंने आपको जैसे कि बताया ओवरऑल जर्नी जो थी वो हमारी 154 किलोमीटर की थी, जिसमें से लगभग 80 किलोमीटर हमने इसको हाईवे पे चलाया और जो बचे हुए और किलोमीटर्स थे वो हमने इसके सिटी में चलाए। ये दोस्तों ओवरऑल माइलेज निकल के यहाँ पे इस गाड़ी का आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।